Hello everyone. I'm Sandeepin Falbal, and welcome again in my tutorial. So, friends, in this session, we are going to study English literature book of class twelfth of Bihar board, and the chapter will be sixth, and the name of this chapter is the artist. In this chapter, we have to study uh, some story of a boy. Okay, this chapter will be very interesting chapter for you. So please watch this video careful, uh, very carefully uh, because this chapter will be very interesting for you. and the story of this chapter, i would like to tell you some uh, theme of this chapter. Uh, there is a boy, there was a japanese boy, and the name of that boy is sibi. and his interest to collect some gods. this was a theme of this story. Uh, so for knowing um, all things about this story, you have to look uh, uh, all sessions. okay? so let's have a look. And let's go on the computer screen and uh, let's know about all the paragraphs has been given in a book. Okay, so let's have a look and then we know all things about this story. Okay, let's go. <laughs> ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चैप्टर जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ठीक है तो चलिए चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ तीन मुख्य बातें जो हम हमेशा करते आते हैं तो इस चैप्टर में भी हम लोग तीन वो मुख्य बातें जो हम हमेशा करते हैं वो इसमें भी हम करेंगे तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम पढ़ेंगे और राइटर का भी नाम यानी कि चैप्टर का नाम विद राइटर हमें जो है ध्यान रखने हैं ये हमारी पहली बातें हैं ठीक है तो सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं दी आर्टिस्ट इसको दी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ये ए होता है ना इसलिए दी पढ़ेंगे और आर्टिस्ट आपको मैं आर्टिस्ट के बारे में समझा देता हूं आर्ट मतलब कला होता है इतना जो होता है आर्ट आर्ट मीन्स कला और आई एस टी लग गया ना तो आर्टिस्ट बन गया यानी कि कलाकार ठीक है यानी चैप्टर का नाम हो गया दी आर्टिस्ट और राइटर कौन है भाई तो सीगा नोया इसके लेखक अबाउट ऑथर यहां पे मैंने लिखा हुआ है पढ़ेंगे थोड़ी देर में तो इसके लेखक कौन है सीगा नोया ये एक जैपनीज राइटर है ठीक है ना हमें याद रखने हैं सभी राइटर को कि कौन से राइटर जो है कहाँ के रहने वाले हैं ये भी क्वेश्चन अराइज होता है यहां से पूछ देता है कभी कभी कि फलाना राइटर जो है कहां के रहने वाले हैं तो हमें याद रखनी है पहली बात द आर्टिस्ट चैप्टर का नाम विद राइटर यानी सिगानोया दूसरी बात इस चैप्टर के बारे में कि ये क्या है ये चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं ये क्या है ये स्टोरी है या फिर स्पीच है या ऐसे है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये एक शॉर्ट स्टोरी है पता है ना छोटी छोटी कहानियां जो होती है उसको हम लोग शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं एक पूरा बुक बंडल होता है जो एक पूरा बुक होता है जिसमें कि एक ही कहानी के बारे में पूरा वर्णन किया गया रहता है वो एक पूर्ण और कंप्लीट स्टोरी होता है उसमें से जब जो हम भाग निकाल लेते हैं उसको शॉर्ट स्टोरी कहते हैं ठीक है ठीके? ये एक शॉर्ट स्टोरी हो गया दूसरी बात हमने ये जाना इस चैप्टर के बारे में तीसरी थीम के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है ठीक है ना वो भी हमें जानना जरूरी है तो वो मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं सबसे पहले आप ये भी जानिएगा कि ये लेखक जो है जापान के हैं कहाँ के जापान के जापनीज राइटर हैं ठीक है तो आइए हम लोग पहले जो है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फिर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट जो है थीम इसका बता दूंगा इस चैप्टर का और फिर हम लोग पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे देखते हैं सीगा नोया सीगानोया सीगानोया थ्री टू नाइनटीन सेवेंटी वन सीगानोया का जन्म जो है अठारह सो तिरासी ईस्वी में हुआ था और इनका डेथ जो है उन्नीस सौ इकहत्तर ईस्वी में हो गया था इज अ सेलिब्रेटेड जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ़ द ट्वेंटी सेंचुरी देखिए ये बीसवीं शताब्दी के बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे जापान के ये राइटर थे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे जैपनीज राइटर मैंने लिख भी दिया है तो ये जापान के राइटर थे जो कि छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करते थे और छोटी छोटी कहानियों को लिखने के साथ साथ यह बहुत ही वहाँ पे फेमस थे मशहूर थे ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हीज पीपल एंड देयर कल्चर इन्होंने जो है बहुत ही संवेदनशीलता के साथ अपने यहाँ के लोगों के बारे में और वहाँ की संस्कृति के बारे में बखूबी इन्होंने जो है लिखा है अच्छी अच्छी बातें जो है इन्होंने लिखी है अपने यहाँ के जो लोग हैं जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं भारत में रहते हैं तो भारत के लोगों से हमें प्रेम है दूसरे देश के लोगों से भी हमें प्रेम है ऐसा नहीं है कि हमें जो है उनसे प्रेम नहीं है खैर आते हैं पॉइंट पर तो क्या है कि ये अपने देश के लोगों के बारे में और वहां की कल्चर संस्कृति के बारे में इन्होंने बहुत ही लिखा है जैसे हमारे महात्मा गांधी लिखा करते हैं अपने संस्कृति के बारे में हमने पहला चैप्टर यहीं पढ़ा था संस्कृति इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय संस्कृति के बारे में द आर्टिस्ट अनफॉल्ज बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ टैलेंटेड जैपनीज बॉय सी देखिए जो हम द सॉरी इसको दी हमें पढ़ना है दी आर्टिस्ट अनफॉल्ज यानी द आर्टिस्ट जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं यह बहुत ही एक टैलेंटेड लड़के का जो है कहानी है इसमें एक बच्चा है जो कि बहुत ही टैलेंटेड है और उसका नाम है सीबी वो भी जापान का ही रहने वाला है यानी जैपनीज बॉय है ठीक है ना इट शोज हाउ द एडल्ट हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफ एन कॉज डैमेज टू सच टैलेंट्स ये कहानी हम लोग को पढ़ करके ये पता चलेगा ये कहानी ये बता रहा है हमको कि किस तरह से जो है एक एडल्ट हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफेन कॉजिस डैमेज टू सच टैलेंट्स कि किस तरह से जो है एक एडल्ट जो होते हैं मतलब एक बड़े लोग जो होते हैं टैलेंट को कभी नहीं पहचान पाते हैं और उसको डैमेज कर देते हैं नहीं होता है कि आपके घर में जैसे कि, कि आपके कहें या किसी के भी घर में कोई बच्चा होता है जो अच्छा गाना गा लेता है या अच्छा डांस कर लेता है उसके घर के गार्जियन नहीं समझ पाते हैं कि अच्छा डांस कर रहा है या अच्छा जो है गीत गा रहा है तो इसको जो है उस क्षेत्र में भेज करके इसको ट्रेनिंग देनी चाहिए नहीं समझ पाते हैं और उस पर प्रेशर डाल करके कुछ और कराना चाहते हैं तो इस तरह की बात जो है होने के साथ साथ क्या होता है कि उस बच्चे की जो अपनी रुचि होती है वो तो पूरा हो नहीं पाता है फिर वो दूसरा काम भी ढंग से नहीं कर पाता है तो इस तरह की बातें जो है हमें इसमें देखने को मिलेगा ठीक है तो आइए अब पैराग्राफ पढ़ना हम शुरू करेंगे तो उससे पहले मैं आपको बता दूं जैसा कि मैंने कहा था कि अभी बताऊंगा आपको इसके थीम के बारे में तो हम शुरू करते हैं पढ़ना पैराग्राफ और हम आपको थोड़ा सा पहले ही बता देते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ पढ़ने हैं देखिए इसमें हमें जो है एक लड़का है जिसका नाम सी है और वह जापान का रहने वाला है और वह बारह साल का है याद रखिएगा बारह साल का है उसी के बारे में पढ़ना है उसके घर में उसके पिताजी और उसकी माँ रहती हैं, यानी पूरे फैमिली में तीन लोग हैं पिताजी माँ और वो लड़का सीबी ठीक है उसके पिताजी कारपेंटर हैं और बच्चे की जो रुचि है वो गोड्स को कलेक्ट करने में है गोड्स को कलेक्ट करने में है गोड्स मतलब कद्दू आप जानते होंगे कद्दू तो वो कद्दू को कलेक्ट करता है यानी संग्रह करता है यही रुचि है उस लड़के की और यहीं से कहानी शुरू होता है और देखेंगे कि कैसे वो जो है कलेक्ट करता है क्या क्या होता है घर की परमिशन है कि नहीं है वो सारी बातें हम पैराग्राफ के माध्यम से जानेंगे अब हम शुरू करते हैं आपके बुक में दिए हुए जो पैराग्राफ है बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ भी पढ़ना शुरू करेंगे आप हो आप अगर चाहें तो अपने बुक से भी मिला सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है जिस तरह से आपके बुक में दिया हुआ है ठीक है तो चलिए अब शुरू करते हैं ध्यान दीजिएगा कि हम पढ़ते भी कैसे हैं इन वर्ड्स को प्रनाउंस कैसे करते हैं इन बातों पर भी ध्यान दीजिएगा आपको भी बिल्कुल सही से उच्चारण करने आ जाएगा और पढ़ने भी आ जाएगा मीनिंग निकालने तो आएगा ही साथ में सही सही पढ़ने भी आ जाएगा चलिए शुरू किया जाए सिबिज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफेन वेंट आउट टू बाई हिम सेल्फ गोड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीबी जो लड़का है उसका शौक जो है वो गोड्स को कलेक्ट करना है यानी कद्दूओं का संग्रह करना है तो वो बातें जो है सीबी के पेरेंट्स लोग जान चुके थे सीबीज पेरेंट्स न्यू सीबी के पेरेंट्स जो है जानते थे दैट ही ऑफेन वेंट आउट टू बाई हिम सेल्फ गोड्स की सी जो है अक्सर बाहर जो है गोड्स को खरीदने के लिए जाया करता है सीबी के माता पिता को यह बात पता चल गई थी ठीक है कि वो बाहर जो है जाया करता था और गोड्स खरीदता था जब भी वो बाहर जा रहा है यानी समझ लीजिए कि वो कद्दू को खरीदने जा रहा है यह बात पता थी पेरेंट्स को हालांकि बच्चा था हो सकता है इसलिए कुछ नहीं बोल रहे होंगे या जो भी आगे खुद पता चलेगा ही गॉट देम फॉर अ फ्यू सेन एंड सुन हैड अल कलेक्शन देखिए वो जो है बाहर जाता था ही देम फॉर अ फ्यू सेन मतलब बाहर वो खरीदने के लिए जाता था गोड्स को और वह उसे कुछ येन में खरीदता था फॉर अ फ्यू सेन या एन भी कह सकते हैं ये सेन ही लिखा है यहाँ पे सेन ही हम पढ़ेंगे तो वो जो है बाहर जाता था और कुछ सेन में जो है गोड्स को खरीद लेता था और इस तरह से खरीदते खरीदते हुआ क्या कि एंड सून हैड अबल कलेक्शन कि बहुत जल्द ही जो है धीरे धीरे खरीद खरीद के उसने जो है एक अच्छी संख्या उसने जो है जमा कर ली थी यानी कद्दुओं की जो है एक अच्छी संख्या उसने बना ली थी यानी अब रोज मान लीजिए दो दिन पे एक दिन पे खरीद रहा है जाकर के मार्केट से गोड्स को कद्दू को तो धीरे धीरे स्वाभाविक सी बात है कि संख्या कद्दूओं की जो है बढ़ती चली जाएगी तो वो बहुत ही जल्द जो है एक अच्छा संग्रह कर लिया था यानी काफी जो है गोड्स को उसने खरीद करके अपने घर में जमा कर लिया था अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे सेन के बारे में बता देता हूँ कि सेन जो है ये जापनीज मुद्रा को बोलते हैं हर देश की मुद्रा जो होती है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे हम लोग अपने देश की मुद्रा को रुपया कहते हैं पाकिस्तान वाला भी रुपया बोलते हैं और नेपाल वाले रुपया कहते हैं और अमेरिका वाला डॉलर कहते हैं ठीक है और इसी तरह से लंदन वाले जो हैं वो पाउंड कहते हैं जापान वाले सेन कहते हैं हम लोग एक रुपया कहेंगे तो जापान वाले एक सेन बोलेंगे अमेरिका वाले एक डॉलर बोलेंगे ठीक है तो मतलब अफ्यू सेन यानी कुछ हम लोग अपने भाषा में अगर बात करें तो कुछ रुपए में वो खरीद लेता था तो जापान में कुछ सेन में खरीद लेता था ये एन भी होता है वाई एन -E एन और सेन दोनों एक ही है ठीक है दोनों ध्यान रखिएगा। कभी एन भी आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि जापान का पैसा है ठीक है ना वेन ही केम होम ही वुड फर्स्ट बोर्ड नीट होल इन द टॉप ऑफ द गोड एंड एक्सट्रैक्ट दीड्स देखिए वेन ही केम होम जब वह घर आता जब वो मार्केट जाता और गोट्स जब खरीद लेता तो खरीद करके जैसे ही वो घर आता तो सबसे पहला वो काम क्या करता ही वुड फर्स्ट बोर अ नीट होल वह सबसे पहले एक छिद्र करता उस कद्दू में जो है छेद करता ऊपर जो है छेद करता इन द टॉप ऑफ द गोट यानी जो गोट्स वो कद्दू लाता उस कद्दू के ऊपर जो है एक छेद कर देता ठीक है ना ऊपर करता है ये भी ध्यान रखिएगा नीचे नहीं करता है ऊपर छेद कर देता है एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स और छेद करके क्या करता है उसमें से जितना भी बीज है उसको वो निकाल लेता है <coughs> यानी बीज को क्या करता है निकाल लेता है उसमें के सारे बीज को बाहर निकाल लेता है नेक्स्ट ही अप्लाइड लीव्स टू गेट रिड ऑफ द द्लीजेंट गोड स्मेल उसके बाद वो क्या करता है जब बीज निकाल लेता है तो दूसरा वो क्या काम करता है नेक्स्ट अगला नेक्स्ट ही अप्लाइड लीव्स उसके बाद जो है वो कुछ चाय की पत्तियों को उसमें डालता है किस लिए डालता है भाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गोड स्मेल टू गेट रीड ऑफ गेट रीड ऑफ फ्रेज है छुटकारा पाना होता है तो जो है वो कुछ चाय की पत्तियों को डालता है टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गोड स्मेल यानी जो गोड से अनप्लीजेंट यानी जो अच्छा नहीं होता है उसको अनप्लीजेंट बोलते हैं जो सुखदायी नहीं होता है तो यानी जो अच्छा सुगंध जो इसके लिए नहीं लगता है यानी गोट्स में से जो सुगंध आता है उस सुगंध को खत्म करने के लिए यह चाय की पत्तियों को उसमें डाल देता है ताकि चाय की पत्तियों की सुगंध आने लगे वो सुगंध ना आए ही देन फेस्ड द सेक विच ही सॉरी विच ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रैग्स ऑफ हिज फादर्स कप एंड केयरफुली पॉलिश द सर्फेस उसके बाद क्या करता है कि ही देन फ्रेश सेक उसके बाद वो सेक लाता है सेक मतलब क्या पेय पदार्थ हम लोग शराब बोलते हैं ना तो वहाँ पे जापान में चावल को जो भात होता है भात से तो हर जगह शराब बनता है सड़ा करके तो भात से जो बनता है ना वहाँ पे पेय पदार्थ उसको सेक बोलते हैं वैसे सेक मतलब तो कुछ और भी होता है इंग्लिश में देखा जाए तो लेकिन यहाँ पे जैपनीज बात आ रही है तो उसी को हम लोग समझें तो सेक मतलब वो पेय पदार्थ उसके बाद क्या करता है द सेक सेक लाता है पेय पदार्थ लाता है विच ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द फ्रॉम द ड्रैक्स ऑफ हिज फादर्स कप जो कि वो अपने पिताजी के कप से यानी उसके पिताजी जिस कप में वो शराब पीते थे पेय पदार्थ पीते थे उसमें से क्या करता था कि जो नहीं होता है कि पीते हुए जो भी कप में हम शराब पीते हैं या गिलास में पानी पीते हैं थोड़ा सा रह जाता है बच जाता है तो वो क्या करता था सीबी कि जब भी उसके पिताजी के कप में बचता था उसको वो ले लेता था और अपने पास संग्रह करके रख देता था तो वो उसी को जो है पेय पदार्थ को अपने पिताजी के बचे हुए कप से लेता था और केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक जो है उस कद्दू के सरफेस को पॉलिश करता था यानी हो सकता है कि चमक आने के लिए पॉलिश करता हो तो ये काम वो करता था आप समझ गए कि कद्दू को सबसे पहले वो लाता था फिर ऊपर छिद्र करता था छिद्र करने के बाद वो क्या करता था पहला काम छिद्र करना दूसरा उसमें से बीज निकाल लेना तीसरा उसमें चाय पत्ती डालना सुगंध हटाने के लिए और चौथा काम कि अपने पिताजी के कप में जो बचा हुआ शराब हुआ करता था उसे पॉलिश करना चार काम ठीक है आइए अब देखते हैं अगला पैराग्राफ में क्या पढ़ना है सीबी वॉज पैसिनेटली इंटरेस्टेड इन गोट्स सीबी का जो है पूरा जो है एकदम गहरा रुचि जो है इसका गोट्स में बन गया था यानी एक तरफ से कहा जाए तो सीबी का जो है रुचि जो है एकदम गोट्स में गहरी रूप से लग गई थी वन डे एज ही वॉज स्टॉलिंग ए लॉन्ग ऑन द बीच एबजर्व इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट एक दिन क्या हुआ वन डे एज ही वॉज स्ट्रॉलिंग एक दिन सी जो है बीच के किनारे अपने बीच एब्जॉर्ब इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट अपने फेवरेट सब्जेक्ट के विषय में खोया हुआ बीच के किनारे ये टहल रहा था कौन टहल रहा था सीबी सीबी जो है समुद्र के किनारे जो है एक दिन अपने फेवरेट यानी इसके पसंदीदा सब्जेक्ट में तल्लीन था और समुद्र के किनारे जो है वो घूम रहा था ऐसी टहल रहा था या ये कहिए कि वो कद्दू को ढूंढ रहा हो कि इधर भी कुछ मिल जाए अच्छा कद्दू तो लेके जाए तब तक होता क्या है इलांगेटेड हेड ऑफ एन ओल्ड मैन हरिंग आउट वन ऑफ द हर्ट्स बाय द बीच तब तक होता क्या है कि ये बीच यानी समुद्र के किनारे टहली रहा होता है कि सडनली इसको एक आदमी दिखता है जिसका सर जो है गंजा है यानी एक बूढ़ा आदमी है जिसके सर पे बिल्कुल भी बाल नहीं है वो बीच के किनारे जो है एक झोपड़ी है जिसमें से निकलता है और बाहर की तरफ जाने लगता है ठीक है और अचानक जो है सीबी की नज़र उसके सर पर पड़ता है ये मैंने आपको बताया कि वो बूढ़ा आदमी था सीबी को अभी मालूम नहीं है सीबी को क्या दिखता है कि सिर्फ वो बूढ़े आदमी का सर दिखता है जो झोपड़ी से निकल करके बाहर के तरफ जा रहा होता है सीबी को अचानक जो है नज़र पड़ता है उसके सर पे जो कि बिल्कुल गंजा था और धूप भी था तो धूप के वजह से जो है उसके सर चमक रहा था एकदम लाइट मार रहा था ये कहिए कि तेल लगाया होगा तो इसलिए और भी चमक रहा होगा तो अचानक जो है सीबी का जैसे ही नजर उस पर पड़ता है सीबी को क्या होता है वाट स्प्लेंडिड गॉड सीबी कहता बाप रे कितना मस्त कद्दू है उसका जो है सिर सिर्फ उसको दिखाई पड़ता है मतलब इतना खोया हुआ है ना अपने सब्जेक्ट में कि इसको देखिए आदमी नहीं दिख रहा है सर दिख रहा है सिर्फ तो इसको लगता है कि कितना जबरदस्त जो है कद्दू है बोलता है कि व्हाट स्प्लेंडिड गॉड कितना सुंदर गॉड है थॉट सीबी सीबी ने सोचा द ओल्ड मैन फ्रॉम द साइट वैगिंग हिज बोल्ड पाइन पेट तब तक क्या होता है कि अब उतना देर तो नहीं ना वो रुका रहेगा वहां पे आदमी आदमी चलते चलते जो है धीरे धीरे सीबी के नजरों से ओझल हो जाता है ओनली देन डीड सी बी रियलाइज हिज मिस्टेक एंड हिस्स टू लाफिंग लाउडली इन हिमसेल्फ तब जो है सी बी को अचानक जो है जब वो कुछ दूर चला जाता है धीरे धीरे करके सीबी के नजरों से जब वो ओझल हो जाता है फ्रॉम द साइट नजरों से जो है ओझल हो जाता है तब सी बी को एहसास होता है न यहाँ पे देखिए द ओल्ड मैन डिसअपेयर फ्रॉम द साइट ओल्ड मैन जो है धीरे धीरे सी बी के नजरों से गायब हो गया वैगिंग हिज बाल्ड पाइन पेट अपने सिर को हिलाते हुए जो है वो अपने रास्ते चला गया और सीबी के नजरों से बहुत दूर चला गया तब जो है सीबी को ओनली देन डिड सीबी बी रियलाइज तब सीबी को रियलाइज होता है अपनी गलती का कि अरे हमने ये क्या सोच लिया वो तो आदमी था जिसको हमने क्या है ये सोच लिया कि वो जो है कद्दू है ठीक है इतना ये मतलब तल्लीन है अपने कार्य में कि इसको आदमी का सर भी कद्दू दिख रहा है देखिए ये होता है मगन होना केहू केहू में मगन केहू केहू में मगन तो वही बात है और जब इसको एहसास होता है अपने गलती का तो खूब हंसता है स्टूड लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ अपने आप पर खूब हंसता है कि मैं भी जो है कितना जो हूँ अपने काम में इस तरह से तल्लीन हो गया हूँ कि मुझे भी जो है सर और कद्दू में भी पहचान नहीं हो रहा है ही लाफ्ड ऑल द वे होम वह जब तक घर नहीं पहुंचा तब तक वो है धीरे धीरे हंसता रहा बार बार जो है अपने ऊपर हंसता रहा और हंसते हंसते जो है अपने घर को पहुंच गया अगला देखते हैं पैराग्राफ बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है ध्यान से पढ़िएगा मजा आ जाएगा वेन अबर ही पासरी असप अ कन्फेक्शनर्स और इनफैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गोड्स ही स्टूड फॉर मिनट्स एंड एंड हीज आईज ग्लूड टू द विंडो अप्रेजिंग द प्रेसियस फ्रूट देखिए जब कभी भी वे बर ही पास्ट ग्रोसरी जब कभी भी जो है वो पंसारी या किसी मिठाई की दुकान हलवाई की दुकान मतलब किसी भी दुकान से कलाकृति की हो या हलवाई की हो या पंसारी की दुकान हो जब भी वो उनके दुकानों के सामने से गुजरता था जहां गोट्स बिकते थे दैट सोल्ड गोट्स जहां पे गोट्स बिका करते थे उन दुकानों के सामने से जब भी वो गुजरता फॉर मिनट्स ऑन एंड वह एक एक किनारे किनारे पर पर उस दुकान के जो है सामने एक किनारे पर खड़े होकर के कुछ देर तक जो है अपनी आंखों से चारों तरफ नजरें दौड़ा दौड़ा करके वो अपने उस महत्वपूर्ण और कीमती फल का तलाश करने लगता था प्रेजिंग द प्रेसियस फ्रूट यानी क्या करता था कि जब उन दुकानों के पास पहुंचता तो उन दुकान के साइड में जो है खड़ा हो जाता और अपने कीमती फ्रूट फल को जो है वो तलाशने की कोशिश करने लगता कि कहाँ है मेरा गोट्स शायद इस दुकान पर जो है मुझे एक अच्छा और बिल्कुल अच्छे तरह का जो है गोट्स मिल जाए तो फिर बात ही बन जाए वो ढूंढने लगता है ठीक है देखते हैं आगे क्या बताते हैं सीबी बी ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल देखिए यहाँ पे बात आ गया बारह वर्ष का सीबी वॉज अभी बारह वर्ष का था और वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था ठीक है याद रखिएगा सीबी बारह वर्ष का था अभी वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था आफ्टर क्लास इन स्टीड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन ही यूजली अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गोड्स क्या होता था कि आफ्टर क्लास क्लास खत्म होने के बाद इन स्टीड ऑफ प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रेन बाकी जो है क्लास जैसे ही ख़त्म होता था तो दूसरों ब, दूसरे जो बच्चे होते थे उनके साथ खेलने के बजाय यह क्या करता था ही यूजली वांडर्ड अबाउट द टाउन वह टाउन में चला जाता था शहरों में चला जाता था जैसे जब भी छुट्टी होता था तो बच्चे जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल करके खेला करते थे लेकिन सीबी का यह स्वभाव नहीं था बाकियों से बिल्कुल अलग था सीबी बाकियों बच्चों बाकी जो बच्चे हुआ करते थे उनके तरह जो ये नहीं था उनके साथ खेलता नहीं था बल्कि ही यूजुअली वंडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स ये टाउन में चला जाता कद्दूओं की तलाश करने कि कोई नया वैरायटी का जो है अच्छे क्वालिटी के कद्दू मिल जाए शायद हमको तो बाकियों से अलग बिल्कुल सीबी शहरों में चला जाता था अपने उस सब्जेक्ट की तलाश में देन इन द इवनिंग ही फिर इवनिंग में क्या होता है देखिए ही वुड सीट क्रॉस लेग्स इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग फ्रॉम वॉकिंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट और उसके बाद जब वह शाम को घर आता तो शाम को घर आने के बाद जो है वो कोने में जाकर मतलब को जा के बैठ जाता प्लस्ती मार करके मतलब लेग को जो है क्रॉस करके एक दूसरे पर चढ़ा करके कोने में जाके बैठ जाता और रूम वॉकिंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट और जो नया फ्रूट वो लाया रहता है उस नया फ्रूट पे जो है अपना काम करना शुरू कर देता है यानी जो कद्दू वो मार्केट से खरीद के लाता शाम को क्या करता कि एक रूम जो था जिस रूम में रहा करता था सीभी उस रूम के कोने में बैठ जाता पूरा पैर चढ़ा के और अपने उस नए कद्दू के साथ काम करना शुरू कर देता था यानी उस पर काम शुरू कर देता था पता है ना कौन सा काम वही चार काम छेद करना बीज निकालना टी लिप्स डालना फिर पॉलिश करना और उसके बाद क्या करता है थोड़ी देर में जानेंगे वेन ही हैड फिनिश्ड ट्रीटिंग इट और जब वह जो है उसके साथ जो ट्रीट करना होता है जो काम करना होता है जब वो पूरा कर लेता ही poured इन अ लिटिल सेक फिर उसमें थोड़ा सा लिटिल सेक यानी वो पेय पदार्थ डालता इन सर्टेड अ कॉर्क स्टॉपर विच ही हैड himself wrapped इन ईट इन अ टॉवेल फिर क्या करता है कि उस कद्दू को जो है टॉवेल में लपेट करके एक कॉर्क जो कि पैर पैर गर्म मतलब गर्म करने वाली होती है ना ठंडे के दिन में हम लोग बनाते हैं चारकोल से बना लेते हैं कि पैर गर्म किया जाएगा ठंडा नहीं लगेगा तो क्या करता कि उसको जो है कद्दू को लपेट करके टॉवेल में और उसमें रख देता पुट दिस इन अ टीन स्पेशली कैप फॉर द पर्पस एंड फाइनली प्लेस्ड द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर जो पैर गर्म करने वाली होती है ना उसमें जो है रख करके उसे लटका देता फिर क्या करता देन ही वेंट टू बेड और उसके बाद वह सोने चला जाता है ठीक है आइए अब देखते हैं अगला पैराग्राफ में टीन एंड एग्जामिन द गोड और जैसे ही वो सवेरे जगता था वो टीन को खोलकर गोड्स की परीक्षण करता था ठीक है एज सुन एज यू ही या जैसे ही ना एज सुन एज जैसे ही वो जगता था सुबह ही वुड ओपन द टीन वो जाकर के फट से जो है टीन को ओपन करता और उसकी परीक्षण करने लगता है एंड एग्जामिन द गॉड एग्जामिन मतलब परीक्षण करना है अपने उस गॉड्स की परीक्षण करना शुरू कर देता कि कैसा हुआ है किस तरह से तैयार हुआ है द स्किन वुड बी थ्रोली डैम्प फ्रॉम द ओवर नाइट ट्रीटमेंट अब होता क्या था कि रात भर के रात भर के जो है वो जो ट्रीटमेंट दिया गया रहता उस चारकोल में रख करके उस रात भर के ट्रीटमेंट से होता क्या था कि छिलके जो हुआ करते थे वो बिल्कुल धुमले पड़ गए होते थे डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट रात भर के फूल रात भर अब रखा जाएगा उसमें चारकोल वाला में तो कद्दू क्या होगा फूल जाएगा और फूल के क्या होगा उसके जो स्किन होंगे यानी वो जो छिलका होगा वो क्या होगा धूमिल पड़ जाएगा तो रात भर के ट्रीटमेंट से इस तरह से जो है देखने को मिलता कद्दू का रूप सीबी वुड गेज एडोरिंगली एट हिज ट्रेजर बिफोर टाइंग अ स्ट्रिंग राउंड द मिडिल एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई सीबी बहुत ही प्रशंसनात्मक ढंग से जो है एडोरिंगली प्रशंसनात्मक ढंग से जो है सीबी अपने उस बहुत ही जबरदस्त यानी ट्रेजर मतलब खजाना होता है अपने उस खजाने को जो है बहुत ही प्रशंसनात्मक तरीके से देखता और देखने के बाद क्या करता कि उसके मध्य में बिफोर टाइंग स्ट्रिंग राउंड द मिडिल एंड हैंगिंग इन द सन टू ड्राई और उसके बाद क्या करता है कि उसके बीच में एक रस्सी बांधता है और उसको धूप में सूखने के लिए लटका देता है देन ही सेट आउट फॉर स्कूल और तब वो जो है लटकाने के बाद स्कूल चला जाता है तैयार होने के बाद कहाँ चला जाता है स्कूल चला जाता है ध्यान रखिएगा कितना सारा काम कर रहा है उसके साथ रात को उतना काम किया फिर उसके बाद जो है सुबह भी अभी उसको धूप में लटकाया है सूखने के लिए कब तैयार होगा देखा जाएगा सीबी लिव्ड इन टाउन सीबी जो है एक बंदरगाह वाला शहर में रहता था बंदरगाह वाला मतलब क्या एक ऐसा शहर जिस शहर में बंदरगाह हो बंदरगाह यानी कि जहां पे आ, बड़ी बड़ी जहाजें जो पानी वाली होती हैं लगती हो व्यापार के लिए ना व्यापार के लिए जहाँ पे जहाज़ लगती है ना उसको जो है हार्बर बोला जाता है हार्बर मतलब बंदरगाह जहाँ पे जहाज़ लगती हैं व्यापार के लिए सामान लोडिंग होता है फिर दूसरे देश में जाता है फिर दूसरे देश से अपने देश में आता है वो उस जगह को हम लोग हार्बर बोलते हैं यानी जिस टाउन में सीबी रहता था उस टाउन में हार्बर था इसलिए उस टाउन को हार्बर टाउन कहा जाता था यानी सीबी हार्बर टाउन में रहता था ऑल्दो इट वाज ऑफिशियली ए सिटी वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स मतलब सीबी जिस शहर में रहता था यह शहर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था यद्यपि जो है यह ऑल्दो इट वाज ऑफिशियली ए सिटी यद्यपि सरकारी तौर पर यह एक नगर था लेकिन कोई भी जो है इसको कोई भी जो है इस शहर को अगर चाहे तो एक छोर से दूसरे छोर केवल 20 मिनट में जा सकता था वैसे सरकारी अनुसार अगर देखा जाए सरकार के अनुसार तो एक महानगर था ठीक है एक नगर कह सकते हैं महानगर नहीं तो एक नगर था लेकिन मतलब नहीं होता है कि नगर उसको बोला जाएगा जो बहुत बड़ा शहर होगा तो ये बहुत बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी एक नगर था सरकार के अनुसार और इस शहर को जो है बीस मिनट में अगर आप चाहें तो एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं इतना छोटा शहर था ऐसे शहर में जो है सीबी रहता था सीबी वाज वॉज ऑलवेज वॉन्ड्रिंग अबाउट द स्ट्रीट्स एंड हैड सुन कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड गोड्स एंड टू रिकोगनाइज ऑलमोस्ट एवरी गोड ऑन द मार्केट सी जो है वॉज ऑलवेज वॉन्ड्रिंग सी हमेशा जो है गलियों में घूमता रहता था वॉन्ड्रिंग अबाउट द स्ट्रीट गलियों में घूमता रहता था सुन कम नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड गोड्स और जहां भी जहां भी मतलब गोड्स मिलता है उन सारे जगहों को सीबी जो है जान चुका था टू रिकोगनाइज ऑलमोस्ट एवरी गोड ऑन द मार्केट जिस जगह पे भी गोड्स बिकते थे उन सारे बाजार को उन सारे जगहों को सी जो है भली भाती जान चुका था अब सीबी का काम ही यही है गोड्स को कलेक्ट करना तो भला जानेगा कैसे नहीं तो सीबी हर उस जगह को जान चुका था जहाँ पे गोड्स मिलते थे हर उस शहर को दुकान को सब को जान चुका था ठीक है आगे देखते हैं क्या होता है He did not care much about the old Gnarled गना, peculiarly formed goats usually favored by collectors. क्या है बताया जा रहा है कि he did not care वह कभी भी जो है much about the old Gnarled यानी कि अगर कोई गोड्स पुराना है ठीक है ना पुराना है तो उससे जो है ज्यादा प्रभाव पर, जो है सीबी पर नहीं पड़ता यानी उसकी प्रवाह नहीं करता ज्यादा पुराना हो टेढ़ा मेढ़ा हो या विचित्र ढंग का हो तो उस पर वो प्रवाह नहीं करता अगर वो अच्छा लग रहा है विचित्र लग रहा है तो उसे वो ले लेता था या द टाइप दैट अपील्ड टू सी बी वॉज इवन एंड सिमेट्रिकल और सीबी खास तौर पे उसी तरह के गोड्स को पसंद करता था जो उसे अच्छे लगते थे स्वाभाविक सी बात है कि जो जिसको अच्छा लगेगा उसी को आदमी पसंद करेगा तो इसको परवाह नहीं पड़ता था परवाह नहीं होता था कि कोई गॉड जो है टेढ़ा है या पुराना है परवाह नहीं पड़ता था अगर वो अच्छी क्वालिटी के है अच्छा लग रहा है देखने में तो सीबी उसको ले लेता था दैट यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सिम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस said a friend of his father who had come to call. देखिए क्या हुआ कि सीबी के इतनी आदत तो थी ही आपको पता ही है और कि इस तरह का गोट्स पसंद करता था ये सारी बातें हमने जान लिया एक दिन हुआ क्या कि सीबी के घर सीबी के पिताजी थे माता तो खैर रहती हैं घर ही में तो उस दिन सीबी के पिताजी के दोस्त भी जो हैं सीबी के घर आए हुए थे और वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और इधर सीबी जो है अपने कमरे में अपने कामों में लगा हुआ था और इसके पिताजी की और पिताजी के दोस्त की बातें चल रही थी तभी होता क्या है वो हम आपको बता रहे हैं दैट यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सिम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस सेड अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर हु हैड कम टू कॉल He pointed at, देता फिर अच्छे से निकलेगा इन दॉर्नर राउंड गोड मतलब सी जो है बैठ कर के कोने में काम कर रहा था तभी जो व्यक्ति इसके पिताजी से मिलने के लिए आए थे वो अचानक बोलते हैं कि ये आपका जो छोटा बच्चा है ये बिल्कुल ही साधारण दिखने वाले गोड्स को पसंद करता है ऐसा मुझे लग रहा है सी कोने में काम कर रहा होता है अपने गोड्स पे लगा रहता है और उन गोट्स को देख करके सीबी के पिताजी के दोस्त जो हैं उसको इशारा करते हुए ही पॉइंटेड सीबी को इशारा करते हैं उंगली से दिखाते हुए कहते हैं कि ये जो आपका बेटा है ये लग रहा है कि सिर्फ साधारण से गोड्स को जो है पसंद करता है और उसी को जो है ला करके देखिए ना पॉलिश कर रहा है बिल्कुल साधारण गोड्स को लगता है कि आपका बेटा जो है पसंद करता है सीबी जो है अपने गोड्स को पॉलिश करने में बिजी था उसकी तरफ इशारा करते हुए उसके पिताजी के दोस्त बोलते हैं तब तक क्या है कि पिताजी जो है सीबी के बोल पड़ते हैं कि पागलपन है क्या कहते हैं कि पागल है यह लड़का जो कि इस तरह के कामों में अपना समय बर्बाद करता है टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गोड्स इस तरह के गोड्स को कलेक्शन करने में गोड्स में लगा रहने में जो है अपना समय बिताता है बिल्कुल ही पागल है ये गिविंग सीबी डिस्कस्टेड लुक सीबी के पिताजी जो है घृणापुर जो है दृष्टि अपने बेटे पर डालते हुए इस बात को बोले कि बिल्कुल पागलपन है क्या करिएगा एकदम जो है अपना दिन भर टाइम जो है इसी तरह के काम में लगाया रहता है वेस्ट करता रहता है कुछ इसको समझ में नहीं आता है कि इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए मतलब सीबी के पिताजी को ये कार्य पसंद नहीं है इस बात से तो क्लियर हो रहा है ना आप भी समझते रहिएगा कि सीबी जी के पिताजी को यह कार्य पसंद नहीं है तभी तो ऐसे बोल रहे हैं घृणा पूर्वक जो है नजरों से देखते हुए सीबी को बोलते हैं कि पागल है ये लड़का जो दिन भर जो है अपना समय बेकार कामों में जो है बर्बाद करता रहता है बोल करके फिर जो है ये लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं सी हीयर सी बी माई लैड से फ्रेंड देर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉर्ड्स ऑफ दो हैं जो व्यक्ति आए हुए हैं वो बोलते हैं कि सीबी बच्चे इधर देखो ठीक है वो बोल रहे हैं कि इधर देखो इस तरह के कलेक्शन जो तुम कर रहे हो इन कलेक्शन करने का कोई मोल नहीं है इससे कुछ नहीं होगा इट इज नॉट द क्वान्टिटी दैट काउंट्स यू नो कह रहे हैं कि संख्याओं का कोई मोल नहीं होता कह रहे हैं कि जिस तरह के तुम कार्य को कर रहे हो ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है तुम्हें मालूम है संख्या का कोई मूल्य नहीं है आखिर तुम बहुत सारे गोड्स को कलेक्ट करके क्या करोगे एक हजार कर लोगे दो हजार कर लोगे क्या करोगे दो हजार करके इसका कोई मोल नहीं है वॉट यू वॉन्ट टू डू इज टू फाइंड वन और टू रियली अन वंस कह रहे हैं कि जो तुम करना चाहते हो उसके लिए एक या दो विलक्षण की तलाश करो इस तरह के कार्यों में अपना समय बर्बाद मत करो समझाते हैं तब तक सीबी क्या बोलता है देखिए आई प्रेफर दिस काइंड सेड सीबी एंड लेट द मैटर ड्रॉप सीबी धराम से जवाब देता है जानते हैं आजकल के बच्चों का तुरंत जवाब देता है आई प्रेफर दिस काइंड मैं इसी तरह का कार्य पसंद करता हूं सेड सीबी सीबी ने बोला और मैटर को ही समाप्त कर दिया बात ही समाप्त कर दिया कहता है कि छोड़िए जाने दीजिए मुझे यहीं पसंद है मैं इसी तरह के कार्य को पसंद करता हूँ बात ख़त्म कर दिया इसने एक शब्द में ही बोल करके तो यह धड़ाम से जवाब जब दे देता है कोई बच्चा किसी बड़े लोगों को तो फिर वो समझाने की भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं जो बड़े लोग होते हैं ठीक है समझते रहना है सारी बातों को अब देखते हैं सीबीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गोड्स सीबी के पिताजी और उनके फ्रेंड जो थे आए हुए वो लोग जो है गोड्स के बारे में बात करने लगते हैं पुरानी होगा कोई इनके साथ घटना हुआ होगा जिसके बारे में वो लोग लो बात करने लगते हैं अब गोट्स देखे सीबी को कद्दू के साथ वो सब कार्य को करते हुए तो इनको भी जो है गोड्स की कुछ बातें याद आ जाती है और गोट्स के ही बारे में जो है सीबी के पिताजी और उसके पिताजी के जो दोस्त हैं वो बातें करना शुरू कर देते हैं रिमेंबर दैट बेकिंग गोड दे हैड एट द एग्रीकल्चरल सो लास्ट स्प्रिंग आपस में हम लोग बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको याद है क्या उस बेकिंग गोड के बारे में बेकिंग गोड यानी एक कद्दू था जिसका नाम था बेकिंग गोड तो वही कह रहे हैं कि क्या आपको याद है उस बेकिंग गोड्स के बारे में जो कि अंतिम स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु का जो कृषि मेला लगा था उस कृषि मेले में जो बेकिंग गोड्स आया था कृषि मेले में बहुत सारे चीज लगते हैं आपको बता दू मैं कृषि मेला में जो है बहुत से किसान अलग अलग तरह के फसल पौधे या बहुत सी चीज़ें जो है लेकर के जाते हैं मेले में रखने के लिए जैसे झांकी नहीं निकलता है कई हम लोगों के यहाँ जब रिपब्लिक डे मनता है तो झांकी निकलता है तो उसी तरह से जब कृषि मेला लगता है तो वहाँ भी बहुत सारे चीज़ों का मेला लगता है किसान से संबंधित गाड़ियाँ भी बहुत सारे लोग ट्रैक्टर वगैरह लेके आते हैं जो खेती से रिलेटेड होता है तो उन सारी चीजों को लगाया जाता है तो वही बात हो रही है कि पूछ रहे हैं कि क्या आपको याद है उस बेकिंग गोड के बारे में जो लास्ट मतलब कि अंतिम साल जो लास्ट टाइम अभी जो मेला लगा था स्प्रिंग आ, सीजन में जो कृषि मेला लगा था उसमें जो बेकिंग गोड्स आया कि आपको याद है वो कितना मस्त था सेड हिज फादर उसके पिताजी ने कहा अपने दोस्त से बोल रहे हैं क्या आपको याद है इट वाज अ रियली ब्यूटी वज करें कि बहुत ही मस्त था वास्तव में बहुत ही सुंदर था, था ना पूछ रहे हैं सीबी के पिताजी अपने दोस्त से कहते हुए यस आई दैट बिग लॉन्ग वन कहते हैं कि हाँ, हाँ, मुझे याद है वास्तव में वो जो था बहुत ही बड़ा था बहुत लंबा था और सुंदर भी था सीबी के पिताजी के जो है दोस्त ये बात बोलते हैं आगे देखते हैं एज सीबी लिसेंड टू देर कन्वर्सेशन ही वॉज लाफिंग इन वार्डली सीबी जो है बगल में ही बैठा था सीबी तो एज सी बी लिसे उनकी बातों को ध्यान से सुन भी रहा था कन्वर्सेशन उनकी बातों को जो वार्तालाप उनमें हो रही थी सीबी सुन रहा था वॉज लाफिंग इन वार्डली और मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्यों मुस्कुरा रहा था द बेकिंग गोर्ड हैड मेड क्वीट आई स्टीर एट द टाइम यहां पर बताया जा रहा है कि जो वो बेकिंग गोड उस मेले में लाया गया था वास्तव में जो है वो केंद्र बना था मतलब लोगों का देखने का एक केंद्र बना था यानी आकर्षक का केंद्र बन चुका था वास्तव में इस बात को जो है सीबी समझ रहा है कि उस समय बहुत हल्ला हुआ था पूरा हल्ला फैल गया था कि मतलब एक बहुत ही शानदार जो है गोड यानी कद्दू जो है मेले में आया है लोगों में जो है इसकी चर्चाएं हो रही थी वास्तव में जो है आकर्षक का केंद्र था बट लेकिन वेन ही हैड गॉन टू सी इट लेकिन जब सीबी ने सुना कि बड़ा ही चर्चा हो रहा है एक कद्दू के बारे में जो मेले में आया हुआ है बहुत ही मस्त है तो जब सीबी ने इस बात को सुना तो वो भी वहां पे देखने के लिए गया लेकिन गया तो क्या हुआ ही हैड फाउंड इट रैदर टू पीड लुकिंग ऑब्जेक्ट एंड हैड वर्कड आउट ऑफ द शो जब सीबी लोगों से सुना लोगों के द्वारा चर्चा करते हुए सुना कि बहुत ही सुंदर गोड्स आया है तो सीबी भी उसको देखने के लिए गया सीबी से भी रहा नहीं गया क्योंकि इसका तो शौक ही है ना कद्दूओं को कलेक्ट करना तो इससे रहा भला कैसे जाएगा सी भी गया और जब सी भी गया तो जब वो देखा इट रैदर स्टूपिट लुकिंग ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल ही इसको एकदम स्टूपिड इस वो लगा यानी बिल्कुल ही खराब लगा इसको एकदम बेढंगी चीज जैसे वो दिखा और फिर वो ही हैड वॉकड आउट ऑफ द शो और उसके बाद वो प्रदर्शनी से बिल्कुल बाहर चला गया मैं मेला कह रहा था मेला भी सही है प्रदर्शनी भी कर सकते हैं ठीक है ना तो वो जो है उस प्रदर्शनी से फिर बाहर चला गया उसको बिल्कुल ही खराब लगा बाकी बहुत सारे लोग जो उसको पसंद कर रहे थे लेकिन पता नहीं क्यों सी को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं लगा बिल्कुल ही बेढंगा लगा वो और सी बी वहां से बाहर चला गया फिर क्या होता है कि आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट इंटरप्टेड सी बी इट जस्ट अ कलमजी ग्रेट थिंग अब सी बी को जो है उनकी बातें सुन करके रहा नहीं जाता है सी बी बोल पड़ता है बीच ही में इंटरप्ट करता है उन लोगों को और बोलता है कि didn't think थिंक सो मच ऑफ इट कहता है कि मैंने उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया सी बी ने हस्तक्षेप किया कह रहा है कि जिस तरह से आप लोग इतना बड़ाई कर रहे हैं उस कद्दू का मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पाया उसमें जिससे कि उसकी इतनी तारीफ की जा सके सीबी जो है उन लोगों को हस्तक्षेप करते हुए बोलता है और कहता है कि इट इज जस्ट अ कलमजी ग्रेट थिंग वह मात्र एक बेढंगी चीज थी मुझे तो बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगा पता नहीं आप लोग क्यों इतना उसकी तारीफ कर रहे हैं उस कद्दू की फादर हिज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर उसके पिताजी जैसे ही ये सुने बिल्कुल ही क्रोध में हो गए हाँ आश्चर्य क्रोध से जो है उसके पिताजी की आंखें फैल गई और पूरा एकदम जो है क्रोध से आंखें बड़ी बड़ी करके सीबी को देखने लगे सीबी डर गया होगा बेचारा देखते हैं इज़ दैट ही साउटेड उसके पिताजी जो है चिल्लाते हैं कहते हैं वह क्या है सीबी के पिताजी चिला वेन यू डोंट नो वाट यू आर टॉकिंग अबाउट यू हैं कि जब तुम्हें यह पता नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो तो इससे अच्छा है कि तुम चुप रहो समझे कुछ मालूम मालूम है नहीं दो चार को कद्दू को क्या ही कर हो बहुत ज्ञानी हो गए हो कहते हैं कि तुम्हें जब पता नहीं है तो इससे अच्छा है कि तुम चुप रहो सी वर्ड और इसके बाद सीबी जो है एक शब्द भी नहीं बोला ठीक है सीबी भी, भी हो सकता है कि डर गया हो कि पिताजी इतने गुस्से में कहीं देना दे धमाक धमाक आइए और भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और ही वॉज वॉकिंग अलोंग एन अनफेमिलियर बैक स्ट्रीट ही केम अपॉन एन ओल्ड वुमेन विद अ फ्रूट स्टॉल एक दिन क्या हुआ कि सीबी जो है अपरिचित पिछली गलियों से ही वो वॉकिंग अलोन यहाँ पे अलोन हो जाएगा अलोन एन अनफेमिलियर बैक स्ट्रीट यानी अपरिचित पिछली गलियों से जो है गुजर रहा था एक दिन जो है सीबी अपरिचित पिछली गलियों से गुजर रहा था ही केम एन ओल्ड वुमन विद अ फ्रूट स्टॉल वह जो है ऐसे ही चलते चलते एक बूढ़ी औरत जो कि दुकान लगाई थी फल की उसके दुकान तक पहुंच जाता है सी वो सेलिंग ड्राइड परसिमोन्स एंड ऑरेंजेज वो जो थी जो औरत थी वह सूखा पीला खजूर नारंगी ये सब चीजें जो है बेच रही थी ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड स्टॉल सी हैड हंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गोट्स और अपनी दुकान के पिछले शटर पर उसने जो है बहुत से गोट्स जो है लटकाई हुई थी क्लस्टर ऑफ गोट्स यानी गोट्स का पूरा झुंड ना? वो जो है बाकी ये सारी फल तो बेच ही रही थी और साथ ही साथ वो दुकान के पिछला जो शटर था उस पर बहुत सारे गोड्स को भी जो है उन्होंने लटकाया हुआ था यानी वो औरत लटकाई हुई थी यानी गोड्स भी जो है वो बेच रही थी और सीबी तो इसी चीज के तलाश में रहता है सोचिए क्या होगा सीबी जो है सीबी की नजर तुरंत उस पर पड़ती है और पड़ती है तो क्या होगा ये देखने के लिए इसका लेक्चर टू वीडियो का वेट करें ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस लेक्चर को यहीं पे जो है पोस्टपोन रखते हैं लेक्चर टू के आने तक तब तक आप जो है इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लें देख करके कंप्लीट कर लें ले, बार बार इसको सुने और इसको देखिए वीडियो को कभी भी भगा भगा के ना देखें पूरा सुने ध्यान से ताकि आपको भी जो है अर्थ निकालने आ जाए ठीक है लिटरेचर पढ़ने का सार्थक मतलब तभी निकलेगा जब आपको भी अर्थ निकालने आ जाएगा तो आपको बिल्कुल अर्थ निकालने आएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ठीक है तब तक आप इसको क्लियर करें मैं बहुत ही जल्द जो है दूसरा इसका लेक्चर टू भी बना दूंगा और बहुत ही जल्द अपलोड भी कर दूंगा ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि वो भी जो है इसको देख करके सीख सकें ओके बाय